डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट पी एम इंस्ट्रूमेंट का मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसका यूज करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट के लिए किया जाता है इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रो का यूज करते हैं इसलिए इसको इलेक्ट्रो डाइनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ए सी एज well वेल एज डी सी बोध सर्किट्स में यूज़ किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ एज एन एमीटर वोल्ट मीटर और वाट मीटर कर सकते हैं डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिक्स्ड क्वाइल एंड मूविंग क्वाइल से मिलकर कंसिस्ट होता है इस लेक्चर में डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल डिफ्लेक्टिंग टोर्क एंड इंपोर्टेंट इक्वेशंस को देखेंगे टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट फिक्स क्वाइल एंड मूविंग कॉयल से मिलकर कंसिस्ट होता है फिक्स्ड कोयल दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट किया हुआ रहता है एंड एक दूसरे के पैरेलल रहता है एंड जो मूविंग कॉयल है वो फिक्स क्वाइल के बीच में प्लेस रहता है मूविंग कॉयल के साथ सीरीज में एक रजिस्टर कनेक्ट रहता है जो कि आने वाली हाई करेंट को लिमिट करता है जो मूविंग कॉयल है वो नॉन मेटालिक मटेरियल के ऊपर प्लेस रहता है कुछ केस में दोनों कॉइल को सेपरेट एक्साइटेशन दिया जाता है और ये डिपेंड करता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं मूविंग कॉयल के साथ पॉइंटर भी अटैच रहता है जो कि कॉयल के साथ मूव करता है एंड कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मेजर्ड वैल्यू को इंडिकेट करता है इस इंस्ट्रूमेंट में एज अ कंट्रोलिंग टोर्क स्प्रिंग का यूज किया जाता है एंड पॉइंटर के स्टीडी डिफ्लेक्शन के लिए इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है जब फिक्स कॉयल के लौंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है एंड सेम करंट मूविंग कोयल में भी जाता है तो यहाँ पे मूविंग कॉयल के ऊपर एक टोर्क एक्ट होता है बिकॉज मूविंग कॉल से करेंट फ्लो कर रही है एंड वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है इसलिए मूविंग क्वाइल के ऊपर टेंजेंशियली फोर्स एक्ट होता है कॉयल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है मूविंग क्वाइल के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो फिक्सड एंड मूविंग कॉयल में इनपुट करेंट के डायरेक्टली प्रोपोजनल होता है जब वहाँ पे क्वाइल मूव करेगा तो एज वेल एज जो पॉइंटर अटैच है वो भी मूव करता है एंड कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मेजर्ड वैल्यू को इंडिकेट करता है इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं डिफ्लेक्टिंग टोर्क इन डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को टी से डिनोट करते हैं एंड टी डी इज इक्वल टू आई वन इंटू आई टू डी एम बाई डी थीटा एंड यूनिट विल बी न्यूटन मीटर फिक्स्ड क्वाइल में जो करंट फ्लो कर रही है उसको I1 से डिनोट कर रहे हैं एंड मूविंग क्वाइल में जो करंट फ्लो कर रही है उसको I2 से डिनोट कर रहे हैं फिक्स्ड एंड मूविंग क्वाइल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन थीटा उसको डी एम बाई डी थीटा एक्सप्रेस कर रहा है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को जब डीसी सर्किट में यूज करेंगे देन बिहेवियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी टी डी इज इक्वल टू आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन होगा एंड कंट्रोलिंग टोर्क टी सी विल इक्वल टू के थीटा वेयर थीटा इज द एंगल रेडियन एंड पॉइंटर जब फाइनल स्टेट पोजिशन पर होगा उस टाइम डिफ्लेक्टिंग टोर्क जो है वो कंट्रोलिंग टोर्क इक्वल होता है टी टीडी को इस इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे एंड टी सी इज इक्वल टू के थीटा होता है सो थीटा इज इक्वल टू आई वन आई टू बाई के इंटू डी एम बाई डी थीटा इन रेडियन इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं सो डीसी सर्किट में पॉइंटर डिफ्लेक्शन को इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे नाउ ए सी सर्किट के लिए हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग करेंट के केस में करेंट है वो साइनोसोएडल होगी सो आई वन इज इक्वल टू आई एम वन साइन ओमेगा टी एंड आई टू इज इक्वल टू आई एम टू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जहाँ पर जो फाई है वो फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सपोज आई वन एंड आई टू इज द आर एम एस वैल्यू दैट इज इक्वल टू आई एम वन बाई रूट टू एंड आई एम टू बाई रूट टू ए सी के केस में डिफ्लेक्टिंग टोर्क का जो इक्वेशन होता है दैट इज टी डी इज इक्वल टू आई वन इंटू आई टू कोस फाइव इंटू डी एम बाई डी थीटा जहाँ पर जो फाइ है वो फिक्स्ड कोयल एंड मूविंग क्वाइल में फ्लो करने वाली करंट का फेज एंगल कोसाइन फॉर्म होता है एंड कंट्रोलिंग टॉर्क टी सी इज इक्वल टू के थीटा होता है जब पॉइंटर फाइनल स्टीर एस्टेड कंडीशन को अचीव करेगा उस टाइम टी डी टी सी के इक्वल हो जाता है मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन होती है आई वन आई टू कोर्स फाइव डी एम बाई डी थीटा एंड कंट्रोलिंग टॉर्क की इक्वेशन होती है के थीटा सो so, यहाँ पर थीटा को फाइंड कर सकते हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू आई वन आई टू बाई के कोस फाई डी एम बाई डी थीटा इन रेडियन फेयर फाई इज द फेज एंगल बिटवीन करेंट फ्लोइंग इन फिक्सड एंड मूविंग वायल डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को अगर एज ए मीटर हम लोग यूज करेंगे तो थीटा जो है वो स्क्वायर ऑफ करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब पॉइंटर डिफ्लेक्शन जो है वो स्क्वायर ऑफ करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेर आई इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट एंड डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट को जब एज वोल्ट मीटर यूज करेंगे देन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर मतलब पॉइंटर डिफ्लेक्शन जो है वो स्क्वायर ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देर आर मेनी एडवांटेजेस लाइक डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो एसी एंड डीसी बोथ करंट पे ऑपरेट हो सकता है जबकि पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट ओनली डी सी सर्किट में यूज होता है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी हायर होता है इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट रिलायबल एंड रोबस्ट होता है इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का साइज स्मॉल होता है जिससे इसको इजीली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अल्सो देर आर मैनी डिसएडवांटेजेस लाइक इसमें यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता है इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का टोर्क एंड वेट रेशियो जो है वो स्मॉल होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के कम्परिजन में डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं लाइक like, अगर टाइप ऑफ डैम्पिंग का बात करें तो इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है एग्जाम में अगर स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें नॉन लीनियर स्केल का यूज किया जाता है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में पावर का जो कंजप्शन है ज़्यादा होता है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में एमीटर रेंज जो है वो थर्टी एम तक होता है विथ संट सर्किट एंड विदाउट संट इसका जो रेंज है वो टू हंड्रेड मिली एम तक होता है एंड वोल्ट मीटर का रेंज अप टू सेवन फिफ्टी वोल्ट तक होता है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ए सी एंड डी सी बहुत सर्किट में यूज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम से रिलेटेड और भी लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल प्लेलिस्ट पेज पर विजिट करें तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें